चुनाव लड़ने के लिए वीआरसी लेने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को ना तो बक्सर विधानसभा सीट से टिकट मिली और ना ही वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में मैदान में उतारा गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बार गुप्तेश्वर पांडे का सियासी टिकट पाने का पत्ता पूरी तरह से कट गया। गुप्तेश्वर पांडे को लेकर ऐसी संभावना थी कि उन्हें नीतीश कुमार की जदयू बक्सर सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है, मगर यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। इसके बाद भी जदयू की जब उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो उसमें कहीं भी गुप्तेश्वर पांडे का नाम नहीं था। इसके अलावा गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर सीट के अलावा वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव से भी आस थी, मगर वह भी एनडीए ने अपने उम्मीदवार को दे दिया। बक्सर की सीट बीजेपी के खाते में जाने के बाद एक उम्मीद थी कि गुप्तेश्वर पांडे वाल्मीकि नगर से उपचुनाव लड़ेंगे, मगर जदयू ने दिव्यंगत सांसद बैद्यनाथ महतो के बेटे सुनील कुमार को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है। जदयू सांसद बैद्यनाथ महतो की मृत्यु के कारण इस सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं बक्सर सीट से बीजेपी ने परशुराम चतुर्वेदी को मैदान में उतारा है। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे का इस साल सियासी विकल्प खत्म नहीं हुआ है। राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे को बिहार विधानसभा परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहीं से भी जदयू की लिस्ट में नाम ना होने के बाद पांडे ने लिखा है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें हताश या निराश होने वाली कोई बात नहीं है। मेरा जीवन संघर्ष में बीता है और जीवन भर जनता की सेवा करता रहूंगा। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है जब बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरसी लिया हो। इससे पहले भी वो 2009 में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने वीआरसी लिया था, मगर टिकट नहीं मिलने की वजह से फिर से सेवा में आ गए थे। आपको बता दें कि जदयू ने 115 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। जदयू ने अपने हिस्से में आई 122 सीटों में से 7 सीटें अपने सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर को दी है। जी हां, जदयू ने अपने अधिकतर मंत्रियों और जल बदलकर पार्टी में शामिल होने वाले अपने उम्मीदवार को बनाया है। जी हां, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय को जदयू ने परसा से अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने राजद छोड़ने के बाद 20 अगस्त को जदयू का दामन थाम लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के पुत्र चंद्रिका राय सारण जिले की इस सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। तो और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरा से। सुरभि की रिपोर्ट।